नमस्कार, एक बार फिर देश प्रदेश व जम्मू कश्मीर की दिनभर की खबरों में हम आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे टॉप 5 मुख्य समाचार, उसके बाद जम्मू कश्मीर के आज के हाइलाइट्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। आइए नजर डालते हैं पहले मुख्य समाचार पर। जानकारी देते हैं, दिल्ली एनसीआर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नोएडा गाजियाबाद के स्कूलों में बच्चे संक्रमित पाए जाने लगे हैं और वहीं अब दिल्ली के स्कूल में भी कोरोना वायरस की दस्तक दे दी गई है और इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नए सिरे से गाइडलाइंस जारी। आज का अगला समाचार जम्मू कश्मीर से, जहां शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। गुड न्यूज और बैड न्यूज एट ए टाइम सामने निकल कर आई। 4 आतंकवादी मारे गए, वही दूसरी ओर मुठभेड़ स्थल के पास सूमो के पलटने से 2 जवानों की जान चली गई जबकि 2 घायल हुए। दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया। उनके इस ऑफर के बाद ट्विटर के शेयर में उछाल आया है। अगला समाचार, जम्मू कश्मीर की अमरनाथ यात्रा 2022 से संबंधित बाबा बर्फवानी की पहली तस्वीर आई सामने। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, गुफा के बाहर पहाड़ों पर जमी बर्फ हुई। अगला समाचार, महंगाई के बीच नींबू के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। ऐसे में थोक बाजार में नींबू की कीमतें 350 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। सबसे बड़ी वजह यह है कि देश के जिस हिस्से में नींबू का उत्पादन होता है वहां पर भीष्म गर्मी पड़ रही। और अब अगला समाचार बताते चले, आपके फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट की शादी हो चुकी है। तस्वीरें आए सामने और ग्रैंड वेडिंग की अपडेटेड तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। काफी इंतजार था लोगों को इनकी शादी। और अब एक और नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरों पर, टॉप हेडलाइंस जो कि हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं। पहली खबर ये रही आपके समक्ष, पीएम मोदी का दौरा बताते चले, पल्ली में पंचायती नुमाइंदियों के साथ ग्राम सभा करेंगे प्रधानमंत्री, सरपंच और नौ पंचों के साथ होगी चर्चा। ऐसे में दूसरी खबर, भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना व अन्य नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। आज की तीसरी खबर, मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले के बावट वन क्षेत्र से सामने निकल कर आई। गुरुवार को आकाशीय बिजली गिरने से एक 45 व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ अगली खबर ये कि जम्मू कश्मीर में 50 नए डिग्री कॉलेजेस से बड़ी 25,000 सीटें और 2500 नए, आपको बता दें कि किंडरगार्टन स्कूल भी शुरू हुए। पांचवी खबर, एसपी ट्रैफिक के सख्त निर्देश आए सामने, स्कूल बसेस ओवरलोडेड मिली तो खैर नहीं, इसके अलावा स्कूल बसेस में अटेंडेंट होना अनिवार्य है और भी गाइडलाइंस आई है। दर्शकों, सुरक्षा बलों ने डोडा में घाट रोड से एक आईईडी का पता लगाया और उसे निष्क्रिय कर दिया। ये एक बड़ी कामयाबी है जो आज डोडा जिले में सुरक्षा बलों को मिली। और अब आखिरी खबर बताते चले, भाजपा सोर्सेस ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह 8 मई को पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर संकल्प रैली में शामिल होंगे। जी हां, जिसका आयोजन पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर भारत के दाव को दोहराने के लिए किया जा रहा है। और अब दिन की आखिरी खबर, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से संबंधित अस्थायी कर्मियों को स्थायी करने वाला ट्रिब्यूनल का फैसला हाईकोर्ट ने पलटा, प्रसार भारती ने जुड़े कर्मियों का मामला। आज के लिए बस इतना ही, ये था आपके समक्ष दिन भर की खबरें। फिलहाल ये अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियोस को लाइक जरूर करें, आगे शेयर भी करते रहें। दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि, जय हिंद।